पास आता है ना तेरे पास। निकाल निकाल कर ढक ढक कर। भाई साहब तो अपनी बाइक यहीं तक रहेगी, यहाँ पे टावर है तो हम इससे दूर जा रहे हैं कैंपिंग करने, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी टावर के पास कैंप नहीं कर सकते हो। तो चलो इधर से पीछे से दूसरे रास्ते से चलो, बाइक हम लोग इधर लगा दिए। चलो यार चलो, अब बारिश आ गई है, जोर बारिश हो गई है तेज़ यार, चलते हैं फटाफट आगे। पहले घूम जाएगा बोले बस। गाइस यार तो आज देख सकते हो आज का कैंपिंग बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि हम आज हर दिन की तरह आज हम क्या हुआ
पानी अभी एकदम पूरा कचा कच है। तो भाई साहब यहाँ आप वेदर चेक कर सकते हो, अभी बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है, बनी हुई नहीं है देख सकते हो। तो देखो 60, 50, 40, 70, 90, 90 5 minutes later बाहर निकला भी नहीं, ये टूट गया। सही है, तो गाइस यार लाश भाई गया है बाइक लाने, क्योंकि यहाँ तक बाइक आ जाएगी। ओ भाई साहब यहाँ निकलने में ना कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे चूल्हे लगा रखो और छोलनी बाहर रख के चला गया तो बाहर निकलना बनता है। और देखो नज़ारे देखो यार, यहाँ ना अभी बारिश बंद हो गई है तो अभी सही बात है। मैं सोच रहा हूँ चूल्हे को बाहर निकाल दूँ, लेकिन नहीं निकालेंगे, गंदी हो जाएगी, नई नई है ना। तो ओपन करते हैं यार। ओहो, कहाँ रखूँ। ओहो भाई थोड़ा सा पानी डाल लो। मेरे को लग रहा है चीज गई होगी यार, तो जब तक खुलास गया है ना उधर, जब तक मैं एक पीस मार लेता हूँ उससे पता भी नहीं चलेगा। गर्म है यार, सही है नमक। अभी तो कहा नहीं, यार ब्रेकिंग न्यूज एक है। तो ब्रेकिंग न्यूज है कि मैं बहुत सैड हूँ, ठीक ना, बहुत ज्यादा ही सैड हूँ यार। क्यों सैड हूँ जानते हो? तो ये देखो, हमारे पास सिर्फ पानी दो बोतल थी, दो बोतल में हमें चिकन चावल दोनों बनाने थे, और ये बंदा आ गया इसी के कारण। मैं अपने दो बोतल पानी लेकर आया था, लेकिन इस लड़के ने एक भी बोतल पानी लेकर नहीं आया, सारा इसकी गलती है इस नौजवान का। तो देखो यार चावल नहीं बन पाएगी यार, सॉरी यार, अब मैं खुद बहुत दुखी हूँ यार। देखो यार चावल आपके समक्ष, तो चावल को रखता हूँ, अगले कैंपिंग में काम आएगी, ठीक है। तो आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ चिकन कैसी बनी है। इतना स्वादिष्ट, वेरी टेस्टी। ओहो थैंक यू सो मच। गजर मैंने बनाया था, नहीं यार मैंने बनाया, इसमें खाली नमक छिड़का है। अच्छा नमक ही तो मैंने, मैं नमक अगर चाहता तो तेज कर देता बस।
गाइस यार शाम हो चुके हैं, 6:57 हो चुके हैं और यार देखो इतनी शांति, ऐसी नींद आ गई थी ना यार बता नहीं सकता, मतलब पूरी एकदम नींद आ गई थी, एकदम गहरी नींद। जब अचानक उठा ना तो एकदम मज़ा आ गया, एकदम अलग से फील आई एकदम। और ये वाली घर ना यार ये 5 स्टार वाली फील दिलाती है। अब भाई साहब ये फ़ोन ना यार, मैं इससे इतना परेशान हो गया हूँ ना कभी। तो यार मैं बात कर रहा था, मैं फ़ोन से परेशान हो चुका हूँ यार, ये अपने आप काम करने लगते हैं। हुलास भाई चलो यार, शाम हो गई, बाइक पे बैठे रहोगे क्या? तो देखो यार यहाँ का नज़ारा देखो यार, अपने सारे बर्तन भी धोने हैं यार, देखो फिर से जूम आउट जूम इन होने लगे यार। ओ भाई साहब क्या होता है यार मेरे फ़ोन के साथ, इसका ना डिस्प्ले पूरी तरीके से ख़राब हो गई, फिर भी मैं काम चला रहा हूँ मेरे पास, क्योंकि और कोई भी फ़ोन नहीं है।